एवरीवन, सो मैं आज लो आप लोगों के साथ कोई भी ब्यूटी हैक्स या कुछ भी शेयर करने नहीं आई हूँ आज यहाँ पर। सो रिसेंटली मैं मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था, सो आई थिंक कि मुझे आप लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने फेस करा, वो आप लोग इन फ्यूचर फेस ना करो। सो रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर प्लेस करा था। सो मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से करा था एक ऑर्डर प्लेस, तो मुझे उस ऑर्डर की दी गई थी ट्रैकिंग आईडी। सो वो उस ऑर्डर को मैंने ट्रैक करा, सो मुझे दिखा रहा था वो कि वो डिलीवर्ड हो चुका है, बट स्टिल मुझे नहीं मिला था और मुझे अभी भी नहीं मिला है वो ऑर्डर। सो क्या हुआ था उस टाइम पे, मैंने ट्रैक करा और मुझे दिखा रहा था। तो उसके बाद मैंने उससे फिर उस कंपनी को कॉन्टेक्ट करा जिस कंपनी से डिलीवरी होने वाली थी। सो उसका नाम है डिलीवरी करके कुछ। सो वो एक ट्रस्टेड है, काफी अच्छी है, मैंने बहुत से रिव्यूज भी देखे थे, काफी अच्छे रिव्यूज थे उसके। बट मैंने ट्राई करा नंबर उनका, सो नहीं लग रहा था। देन उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करके नंबर निकाला। सो मुझे एक नंबर मिला था, सो मैं उस नंबर को स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी कि वो नंबर क्या था। एंड मैंने उस पर कॉल करा, सो आई से कि आप डिलीवरी से बात कर रहे हो? उन्होंने बोला हाँ मैं डिलीवरी से बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई है, सो मुझे क्या करना चाहिए एंड आप मेरी कंप्लेन रेज कर दो। सो उन्होंने बोला ओके, हमने आपकी कंप्लेन रेज कर दी है। एंड आज उन्होंने मुझसे ऐसा बोला था कि आपको आज ही आपको प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, बट यू हैव टू पे 2 रुपीज। सो आई थिंक, मतलब मैंने सोचा कि 2 रुपीज जस्ट नॉट अ वेरी बिग डील। सो मैंने यही सोच के मैंने उसको बोला ठीक है मैं पे कर देती हूँ आपको। सो उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड करी थी, सो जो कि एक फिशिंग लिंक थी, और मैंने बिल्कुल भी उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि क्या है, मतलब उतना दिमाग ही नहीं चलाया मैंने उस टाइम पे। सो उन्होंने बोला कि आपको इस लिंक पे क्लिक करना है एंड आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सो मैंने अपना नेम फिल करा था उसके अंदर, एंड उसके अलावा जो मुझे अमाउंट पे करना था 2 रुपीज वो, एंड देन मैंने उसे ओके करा। सो वो लिंक ना आपके पेटीएम में खुली, ना तो आपकी गूगल पे में खुली, ना फोन पे में, कहीं पे वो लिंक नहीं खुली। सो मैंने ये देखा कि ये लिंक कहीं नहीं खुली है, सो आई टू कैंसिल, मतलब मैंने कैंसिल करा उस लिंक को, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल नहीं हुआ। सो मैंने उनसे बोला कि ये तो कोई लिंक खुली नहीं है। सो उन्होंने बोला कि फॉर टेक्निकल इश्यू के वजह से ऐसा नहीं हुआ होगा, बट आप फिर से ट्राई करो। सो मैंने फिर से एक बार करा, बट स्टिल वो लिंक नहीं, वहां पे नहीं खुली वो लिंक। एंड उन्होंने मुझसे एक मैसेज सेंड करा था, देन उन्होंने मुझसे बोला था कि ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है, आपको यहाँ पे अपनी ये मैसेज आपको फॉरवर्ड करना है। देन मैंने वो मैसेज फॉरवर्ड करा। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि 2 रुपीज का पेमेंट हो गया है आपका, क्योंकि मेरे साइड से कोई पेमेंट नहीं गया था उनके साइड वहां पे। सो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। देन फिर मैंने फोन रख दिया। देन आफ्टर 5 मिनट्स बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरे अकाउंट से 5000 रुपीज डिडक्ट कर लिए गए हैं। देन उसके बाद मैंने उसको कॉल करा, सो वो मुझसे बोलता है कि टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ, विद इन 24 आवर्स में पैसे वापस आ जाएंगे। बट स्टिल कोई पैसे वापस नहीं आए, 24 आवर्स हो गए। देन मैंने साइबर सेल में कंप्लेन करी है उस नंबर से। डेफिनेटली अगर आपका आप पहले तो अलर्ट रहें, क्योंकि आज के टाइम में लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। सो आप अलर्ट रहें, ऐसे लोगों से बच के रहें जिससे कि आपका नुकसान हो, या फिर आप ऐसी कोई भी लिंक पे क्लिक ना करें। सो मेरा सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको कोई, अगर आपको कोई लिंक भेजता है, या फिर अगर वो बोल रहे हैं आपसे, हम अमेजोन से बात कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट से बात कर रहे हैं, आपको 2 रुपीज पे करना पड़ेगा, 1 रुपीज पे करना पड़ेगा। सो ना तो कोई अमेजोन ना कोई फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनी हमें कभी भी कॉल नहीं करती है, एंड वो कभी हमसे ये नहीं बोलती आपको 2 रुपीज या फिर 1 रुपीज पे करने पड़ेंगे। सो डेफिनेटली आप ऐसे फ्रॉड कॉल से बच के रहें। ऐसी एंड अगर आपके पास कोई भी लिंक आती है व्हाट्सएप पे या फिर आपके नंबर पे, सो आप उस पर डायरेक्टली क्लिक ना करें, क्योंकि कुछ कुछ तो लिंक ही ऐसी होती है, अगर आपने लिंक पे क्लिक करा सो आपके पूरे पैसे उड़ जाएंगे। सो आप मेक श्योर करें कि इन चीजों से बचें, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बहुत गलत, ऐसे लोग गलत हो चुका है। उसके बाद मैंने वो नंबर सर्च कराया, उस नंबर के नाम से 67 फ्रॉड रिकॉर्ड्स हैं रजिस्टर्ड। एंड उसके बाद से मैंने सेकेंड डे कॉल करा उनको, तो मैंने उनको अच्छे से बोला कि ऐसा आपने करा, ये करा, वो करा। देन ही से मैं अपना आपका कॉल मैं अपने सीनियर को ट्रांसफर कर रहा हूँ। देन वहां से मैं एक और कॉल आया। देन ही से कि आपका आपके अकाउंट में से मैंने बताया उनको
क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे डिडक्ट हुए थे। देन उसने मुझसे बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, सो आप लाइन पे बने रहना एंड मैं आपको विद इन आपको लाइन में बने बने मतलब कॉल पे ही मैं आपको रिफंड देता हूँ। सो उसने बोला मुझसे कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, आई थिंक रिमोट कंट्रोल एनी डे रिमोट कंट्रोल करके कुछ ऐप था, उसमें एक नंबर आया, उसने मुझसे वो नंबर बोला। देन उसके बाद उसने मुझसे बोला कि आप अपना कार्ड नंबर का लास्ट के नंबर डेट फिल कर दो, देन उसके बाद से एंड अपना एक्सपायरी डेट आपको मेक श्योर करना है कि कहीं पे भी आप जो ट्रस्टेड ऐप है लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, आप यहाँ पे करो, उसके अलावा अपना पिन या फिर अपने कार्ड का जो लास्ट के डेट होते हैं वो एंड कार्ड के पीछे के सीवीवी नंबर एंड उसके अलावा जो कार्ड की एक्सपायरी डेट है वो कहीं पे फिल ना करो अपने, क्योंकि इससे आपके पूरे पैसे डिडक्ट हो सकते हैं, आपका अकाउंट पूरा खाली कर देंगे वो लोग। सो आप मेक श्योर करो कि आप इन चीजों से बचो। हाँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है, बट ऑनलाइन होना अच्छी बात है, बट क्या है ना, ऑनलाइन चीजों का मिसयूज भी बहुत जल्दी होता है। डेफिनेटली आप मेक श्योर करो। मैं इस वीडियो बनाने का कोई मेन मोटो सिर्फ ये था कि आपको अलर्ट कर पाऊं जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, जैसे बिकॉज बहुत बुरा लगता है उसके बाद, एक छोटी सी बेवकूफी की वजह से ऐसा हुआ, बट स्टिल अब वो पैसे चले गए, वो पैसे नहीं आने वाले हैं, मुझे पता है ये चीज, बट स्टिल मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अलर्ट कर पाऊं। एंड आप हमेशा ध्यान रखें कि आप कोई भी लिंक पे डायरेक्टली क्लिक ना करें, अपना कार्ड नंबर किसी के शेयर ना करें, एंड जो अगर वो बोले ना कि रिफंड रिफंड एंड उससे मुझे रिफंड कुछ नहीं मिलता, बट उससे मेरे जो दूसरे अकाउंट के पैसे थे वो भी चले जाते हैं। उसने मुझसे बोलता आपके सेम अकाउंट में नहीं आएंगे, सो आपको दूसरे अकाउंट करना पड़ेंगे। सो आप ऐसे लोगों से प्लीज बच के रहो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं जो हमारा मिसयूज कर सकते हैं। सो डेफिनेटली अपना जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी का शेयर ना करा करें तो ही अच्छा है। एंड फ्रॉड कॉल होते हैं सारे, अमेजोन फ्लिपकार्ट से कोई हमें कॉल नहीं करता है। अगर आपको इस टाइम पे क्या है ना, डिलीवरी वालों का जो कॉन्टेक्ट नंबर था वो बंद चल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एंड स्टिल मुझे अभी तक मेरा प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। स्टिल मैं भी एक ऑनलाइन स्टोर रन करती हूँ, बट स्टिल मेरे साथ ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, एंड काफी लोगों को मैंने ऑर्डर डिलीवर करवाए हैं, एंड पता नहीं क्यों इस बार क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट मैंने वहां पे कंप्लेन फायर कर दिया, साइबर सेल में भी कंप्लेन कर दिया। अगर आप ऐसा कुछ होता है, चाहे फ्रॉड 100 रुपीज का ही क्यों ना हो, आपको कंप्लेन जरूर फायर करनी चाहिए, जस्ट बिकॉज अगर कुछ आई नो अपन को पता है पैसे वापस नहीं है, पैसों के लिए नहीं, बट स्टिल अवेयरनेस के लिए हमें करनी चाहिए, कंप्लेन तो आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपने कंप्लेन नहीं करी है, सो आपने बहुत गलत करा है, ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो। आप अगर ऐसा कुछ होता है, आप 100 रुपीज का फ्रॉड हो रहा है, सो आपको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड चाहे 10 रुपीज का हो चाहे 1000 का हो, फ्रॉड फ्रॉड होता है। सो बी अलर्ट, बी सेफ। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी वाली वीडियो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है जरूर हिट कर देना, उससे आपसे ऐसी वाली वीडियोस कभी भी मिस नहीं होंगे। सो अब मिलते हैं।